हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हो techoop.com। सो गाइस, इस वीडियो में मेरे पास से इस महीने का, इस साल का कह सकते हो मोस्ट अवेटेड फोन रियलमी 3 प्रो, और गाइस फाइनली लॉन्च हो गया। और इस वीडियो में हम लोग इसकी एक अनबॉक्सिंग कर लेंगे, क्विक रिव्यू कर लेंगे। सो गाइस, जो रियलमी का टिपिकल आपको बॉक्स डिजाइन होता है, वैसे आपको सेम टू सेम बॉक्स मिल जाता है। रियलमी 3 प्रो सब तरफ लिखा हुआ है, और इस साइड आपको रियलमी 3 प्रो के बारे में थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है। और यहाँ पर भी मेन बात है, आपको यहाँ पे सार वैल्यू जो है वो आपको अंडर कैसे तो सेफ जोन में है। सो सेफ जोन पे पबजी क्या आ गई। सो गाइस, चलिए जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं रियलमी 3 प्रो को। और गाइस, कुछ इस प्रकार का आपको बॉक्स मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक और बॉक्स, जो कि आपको रियलमी की हमेशा सेम टू सेम अनबॉक्सिंग होती है। और यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल, और अंदर आपको मिल जाएगा टीपीयू केस कवर और सम डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि क्विक स्टार्ट गाइड और इन्फॉर्मेशन वाले गाइड्स। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं प्यार से। और आपको फिर आगे मिल जाएगा अपना मेन कंटेंट, जो कि रियलमी 3 प्रो मेरे पास आपको ब्लू कलर वेरिएंट में है, बड़ा कूल लग रहा है। और ये आपको यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी है। वैसे तो यहाँ पे आपको रियलमी क्लेम करता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, ग्लास टूट जाता है और आपको यहाँ पे मेटल डेंट हो जाता है, इसीलिए प्लास्टिक बॉडी यूज़ करते हैं। लेकिन समहाउ आई फील कि इनको भी आपको ग्लास बॉडी यूज़ करना चाहिए। अगर बात करते हैं फर्स्ट हैंड इंप्रेशन की, तो आपको हाथ में लेने में काफ़ी प्रीमियम फील होता है। और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा तो है, जो स्मजेज आ जाते हैं इसमें, सो उतना आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको हल्का सा पैटर्न भी, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, डॉट डॉट सा पैटर्न है ये। और यहाँ पे आपको इस डिज़ाइन का एक कह सकते हो कि पैटर्न आता है, लाइट पिलर कह सकते हो तुम इसको। और यहाँ पे गाइज, आपको एस का मतलब स्पीड है रियलमी 3 प्रो में, और एस फोर शाकिब भी हो सकता है, जो कि मेरा नाम है, जो कि अच्छी बात है। सो गाइज, इतनी बात बहुत है फ़ोन के बारे में। अब इसको करते हैं साइड में और बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। और गाइस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वूक चार्जर, वूक 3.0 चार्जर ये। और गाइस, यहाँ पे आपको इसका आउटपुट मेंशन किया गया, जो कि आपको 5 वाट 4 एम्पीयर है, जो कि आपको 20 वाट्स होते हैं। वूक की यहाँ पे ब्रांडिंग है। और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इनका टिपिकल डाटा केबल, जो कि आपको अगेन यहाँ पे USB है, टाइप सी के साथ इस बार नहीं गए ये, लेकिन मुझे लगता है कि टाइप सी यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं दिया है। लेकिन मेन बात यह है कि यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को लगी, कि यहाँ पे आपको टाइप सी में पिन्स नहीं है, जो कि नॉर्मल पिन्स होते हैं बाहर निकले हुए, वो पिन नहीं है इसमें। और आपको यहाँ पे वूक की ब्रांडिंग मिल जाती है। सो इतना ही कुछ था बॉक्स कंटेंट के लिए। अब बात करते हैं अपने डिवाइस के बारे में। सो लेट्स गो। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं गिव अवे की इस वीडियो में। सो गाइस, 5000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है इस चैनल पे, और रियलमी 3 प्रो का आपको काफ़ी सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए मैं गिव अवे करने वाला हूँ हुआवे का आपको स्पोर्ट ब्लूटूथ हेडफोन। सो गाइस, सिंपल रूल ये है गिव अवे का, कि आपके कमेंट पे सबसे ज़्यादा, जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, वो बन जाएगा इस गिव अवे का विनर। सो गाइस, आप कमेंट करो और कोशिश करो कि सबसे ज़्यादा आपके कमेंट पे लाइक आए। चैनल को करना है सब्सक्राइब, और करना है बेल आइकन को ऑन, और इस वीडियो को करना है लाइक। 2 वीक के अंदर मैं गिव अवे अनाउंस कर दूंगा। यहाँ पे मेरा आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, यहाँ पे मैं अनाउंस कर दूंगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो यहाँ से मेरे को, और जीत सकते हो बड़े आसानी से। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने मेन कॉन्टेंट के ऊपर। सो गाइस, बात कर लेते हैं रियलमी 3 प्रो के आपको ओवरव्यू के बारे में। सबसे पहले मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ, और फिर बात कर लेंगे इसके ओवरव्यू के बारे में। सो गाइस, नीचे की तरफ अगर बात कर लें, तो यहाँ पे आपको रियलमी ने इसका जो स्पीकर है वो आपको चेंज किया है, ताकि गेम खेलते वक्त आपको इसके स्पीकर के ऊपर उंगली ना आए, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और यहाँ पे आपको USB टाइप सी नहीं मिल रहा, USB मिल रहा, टाइप सी होना चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन इस बार टाइप सी नहीं हो पाया पॉसिबल इन लोग से। और 3.5 mm जैक है। इस तरफ आपको यहाँ पे पावर बटन है, इस तरफ वॉल्यूम रॉकर्स की है, और यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर है, सिम ट्रे है। यहाँ पे आपको अगर सिम निकाल के दिखा देता हूँ मैं, ट्रिपल सिम स्लॉट होने वाला है ये। ओके, ये ऑन हो चुका है मोबाइल अभी के लिए। सो गाइस, ट्रिपल सिम स्लॉट है ये, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आप इसको 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। सो गाइस, मोबाइल हो चुका है ऑन। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट चीज़ वॉलपेपर, इसका चेंज कर लेते हैं। रियलमी के आपको 3 में और रियलमी U1 में, दोनों में आपको वॉलपेपर के बहुत तगड़े कलेक्शन मिले हैं। अगर आपको वॉलपेपर डाउनलोड करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पूरे वॉलपेपर्स बिल्कुल हाई क्वालिटी में। और ये मेरा फेवरेट वाला है, ये वाला मैं लगाता हूँ, मेरे को बड़ा सही से लगता है, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फील आता है इसमें। सो गाइस, अगर बात करते हैं इसकी, तो आपको यहाँ थोड़ा बहुत प्रीलोडेड एप्स मिलेंगे, जैसे UC ब्राउजर है, न्यूज़ पॉइंट है, इन सब थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसको हटा सकते हो और अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो इसको मैं जल्दी से अनइंस्टॉल कर देता हूँ, बाद में कर लेंगे बाकी का। और गाइस, अगर बात करता हूँ मैं रियलमी 3 प्रो के प्राइसिंग की, सो गाइस आपको
और अगर बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी। आपको यहाँ पर दो वेरियंट में अवेलेबल होने वाला, 4+64 और 6+128GB। ये वाला मेरे पास 6+128GB वाला वेरियंट है, लेकिन इसका जो बेस वेरियंट है 4GB वाला, उसकी प्राइसिंग शुरू होती है 14,000 रुपये से, और 6GB वाला है उसकी आपको प्राइसिंग होगी 17,000 रुपये। आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर खरीद सकते हो, और काफ़ी अच्छा मोबाइल है। अभी के लिए तो मैं आपको पक्की बात की रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मोबाइल को बिल्कुल आराम से ले सकते हो। इसमें आपको कैमरा के ऊपर बहुत तगड़ा काम किया है इस कंपनी ने, और आपको यहाँ पे स्लो मोशन में 960fps की है, और अगर देखो स्लो मोशन में आपको यहाँ पे 960fps का स्लो मोशन मिलता है। सो अबाउट फोन आपको दिखा देता हूँ मैं, क्या क्या मिलने वाला है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे पाई मिलेगा, एंड्रॉयड पाई। यहाँ पे एंड्रॉयड पाई तो आप देख ही सकते हो, और बाकी की स्पेसिफिकेशन के लिए मैंने आपको CPU Z डाल रखा है। इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर। और अगर बात करते हैं इस कैमरा की, तो आपके यहाँ पे 16+5 MP कैमरा मिल जाएगा। ये आपको सोनी का सेंसर है इसमें, IMX519, जो कि आपको एक फ्लैगशिप सेंसर है, और इसका जो कैमरे की फोटोज़ आती हैं वो बहुत तगड़ी फोटो आती है। आपको एक फ़ोटो मैं लेके दिखाता हूँ एज एन सैम्पल। इसका आपको फोकस भी बहुत तगड़ा है गाइस, आपको मैं फोकस के लिए वो ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। बहुत फास्ट फोकस करता है गाइस, ये बहुत ज़्यादा फास्ट फोकस करता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर एक सैंपल लेता हूँ मैं, बहुत क्लोजली ले रहा हूँ, और यहाँ पे आपको 10x जूम भी मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसके आपको इंटरफेस की, ओके, सो नाइट स्केप मोड, पैनो मोड, एक्सपर्ट मोड, टाइम लैप्स और स्लो मोशन। आपको कैमरा के ऊपर एक डिटेल्ड फोटो वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छे से मैं उसको बनाने वाला हूँ। और इसमें एक चीज़ है, 64 MP का एक आपको पिक्सल बाइनिंग टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करते हैं, उसको आपको एनेबल करने के लिए एक्सपर्ट मोड में जाना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक अल्ट्रा HD मोड, जिसको आप ऑन कर लोगे और आपको यहाँ पे 64 MP की फ़ोटो ले सकता है। आप देख सकते हो 10 MB की फ़ोटो है ये, जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव होती है। इसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे आराम से, मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कमाल का करेगा काम, लेकिन देख लेंगे क्या होता है। और सेल्फी में अगर बात करें गाइस आपको, तो 25 MP सेल्फी कैमरा, अगर मैंने जो टेस्ट किया अभी तक उसमें आपको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल कैप्चर करता है, और बहुत ज़्यादा आपको फेस का जो टोन है, फेस टोन पे काफ़ी अच्छा काम किया है, जो उसके बारे में बात करेंगे आगे इस वीडियो में। अगर बात करते हैं फिंगरप्रिंट की, बस फिंगरप्रिंट का बहुत ज़्यादा फास्ट है, आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा, बस एक हल्का सा मैं स्टॉप मार रहा हूँ बस। मुझे लगता है कि इसके ओवरव्यू के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस आने वाले हैं, फास्ट चार्जिंग के ऊपर, इसके गेमिंग के ऊपर, इसके कैमरा के ऊपर, फॉर्टनाइट के ऊपर, और टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिए इस चैनल पर। अभी के लिए इतना ही था, अनबॉक्सिंग का ये पहला वीडियो था, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।